दोस्तों अब तक तो मैं पढ़ता आया था, सुनता आया था कि ज्वालामुखी कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आज वो दिन है जब मैं जलता हुआ ज्वालामुखी भाई लाइव वोल्केनो देख रहा हूँ सामने लाइव। और ये बड़ा सा लावा लेक, ये दोस्तों लेक ऑफ फ्रेरा सॉल्टी लेक, और इधर देखिए इस खेत में नमक ही नमक। और गर्मी की तो क्या बात बोलूं यार, धरती के अंदर आग लगी हुई है भाई, गर्मी नहीं होगा तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट, और फिलहाल यार तंजानिया देश के जो ब्लॉग चल रहे थे वो समाप्त हुए, और अभी वेलकम टू इथियोपिया। दूसरी बार इससे पहले जब मैं आया था इथियोपिया को मैंने एक्सप्लोर किया तो साउथ पार्ट है ना, ओमोवेली एरिया, और अभी फिलहाल मैं हूँ इथियोपिया देश का नॉर्दर्न पार्ट अफार रीजन। और ये जो जिस जगह पे अभी मैं हूँ ये अफडेरा बोलते हैं इसको, पास में अफ्रेरा लेक है, वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये जो रीजन है दोस्तों दानाकिल एरिया, ये पूरी दुनिया में वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस है। सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड किया गया है वो शायद डेथ वैली अमेरिका में, लेकिन ये उनमें से एक टॉप फाइव का होगा। यहाँ इथियोपिया देश में कैसे आया, यहाँ कैसे पहुंचा, ये सब बताता हूँ एक बार मैं आप लोगों को। तंजानिया देश के अरुशा में था, वहां से मोशी गया माउंट किलिमंजारो देखने के लिए, वहां से फिर दारे सलाम आया। दारे सलाम से दोस्तों मैंने फ्लाइट लिया अडीसा बाबा का, अडीसा बाबा से आज मॉर्निंग में ही सेमेरा आया, सेमेरा से फिर इस गाड़ी पे जा रहा हूँ, पता नहीं कितना किलोमीटर, लगभग 4 घंटे के बाद हम लोग पहुंचे सेमेरा से यहाँ अफडेरा तक, और अभी एटाले के लिए निकल। ये ग्रुप टूर है दोस्तों, दानाकिल डिप्रेशन टूर बोलते हैं इसको, लेकिन गर्मी क्या है बताऊं यार। तो दोस्तों इधर देखिए लेक अफ्रेरा, ये पूरा सॉल्टी लेक है यार। इधर गाइड भाई सबसे मिली, आप लोग तो इनको जानते ही होंगे, सोलेमन भाई नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते बाबूजी। बाबूजी ओह नाइस टू मीट यू ब्रदर। ये जो सॉल्टी लेक होते हैं दोस्तों इसमें आप डूबेंगे नहीं, आपको तो पता होगा। इधर एक बंदा है नॉर्वे का, वो मजा ले रहा है देखिए। और ये मैंने क्यों लगाया हुआ है मैं बताता हूँ आप लोगों को। यार मेरे बाल ना बहुत छोटे छोटे काट दिए गए हैं भाई, मैंने बोला कि बस थोड़ा थोड़ा बाल काटो, उसको लगा कि इंग्लिश नहीं आता था वहाँ पे अरुसा में, उसको लगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा बाल चाहिए, उसने ट्रिमर चलाया एक या दो नंबर पे, और जब यहाँ पे पहुंचा फिर मैंने बोला यार चलो जब इतना ही सफाया कि आपने तो पूरा ही कर दो, फिर ये हाल हो गया मेरा। दिखाऊंगा आप लोगों को बाद में हो सके तो, है ना। बहुत ज्यादा नमक की मात्रा है इस पानी में भाई, वो यार ये तो काफी गर्म है। यहाँ पर नमक की शुरुआत कैसे हुई, डेड सी से ना फ्लड आया दोस्तों यहाँ पे, और तब से यहाँ पे ये पानी नमकीन हो गया। 2-3 गाड़ियों में हम लोग हैं, हमारे ग्रुप में जो भी उनमें से जापानीज है, चाइनीज है, मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तानी है, जर्मनी से है। ये जो टूर होने वाला है दोस्तों 3 दिनों का होने वाला है, और पहले दिन में ही हम लोग लाइव वोल्केनो देखने वाले हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी अभी भी धधक रहा है, लावा निकल रहा है ना। ये सब रेत नहीं है भाई, ये नमक है, पहले बेर से नमक बदला करते थे गांव में। ये दोस्तों लेक अफ्रेरा सॉल्टी लेक, और इधर देखिए इस खेत में नमक ही नमक, नमक का मोटा परत भाई। तो कैसे नमक मिलता है इन लोगों को, यार हवा चल रहा है थोड़ा सा, आवाज आप लोग मैनेज करना। तो क्या करते हैं कि पंप से पानी जमा करते हैं, सिर्फ ये नहीं आसपास के बहुत सारे खेतों में ऐसा है, थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा नमक मिले इसके लिए प्लास्टिक भी नीचे लगा के रखते हैं, तो पंप से पानी भरते हैं इस पे और तब तक रहने देते हैं जब तक कि पानी सूख ना जाए और नमक नमक बच जाए। तो नमक नमक बच गया, ये लगभग तैयार है, इसको लेके जाएंगे कहाँ, फैक्ट्री में। तो वहां अच्छे से प्यूरिफाई होने के बाद दोस्तों उसमें आयोडीन की मात्रा डालेंगे और उसके बाद अलग अलग जगह में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इथियोपिया देश का 90% नमक इस एरिया से ही जाता है। ये खेत में नमक तैयार है और ये प्रोसेस में है, ये सूखने लगा है पानी। ये पत्ते यार यहाँ पे खाते हैं मूंगफली के साथ में, चबाते ही रहते हैं। इधर देखे दोस्तों सनसेट होने को है और हम लोग पहुंच गए हैं आज के हमारे फाइनल डेस्टिनेशन में। इधर में आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा धुआं धुआं सा दिख रहा होगा यहाँ से, जी हाँ दोस्तों वहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा लाइव वोल्केनो, और हमारे ग्रुप के लोग इधर में कुछ है कुछ कुछ खा रहे पी रहे हैं। और इधर जितना भी आप लोग ये मरियल से पत्थर देख रहे हैं काले काले, यार ये सब वोल्केनिक पत्थर है। इधर जितने भी पहाड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये सारे वोल्केनिक पहाड़ पर्वत हैं भाई, आज से हजारों लाखों साल पहले यहाँ सब जितना भी आप लोग एरिया देख रहे हैं सब तरफ ज्वालामुखी धधकता था होगा, है ना। आ रहा हूँ मैं ज्वालामुखी, जो मैं हजारों लाखों साल पहले इधर वोल्केनो होने की बात कर रहा था ज्वालामुखी, उनमें से एक लाइव वोल्केनो इधर में है यार, अभी भी धधकता हुआ ज्वालामुखी, थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे। और इधर में गार्ड भाई साहब भी हैं, आप लोग देखिए हम लोगों ने लेके आया हुआ है, यहाँ मस्ट है। शाम का वक्त है, ऑलरेडी सनसेट हो चुका, काफ़ी लोग आगे चले गए हैं और अभी फिलहाल हम लोग 4 लोग हैं। ओ भाई आवाज़ कैसा, अरे भाई रे लाइव वोल्केनो, मैं तो एक ही होगा सोच रहा था।
रात हो गई यार, वापस जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग फिर आएंगे यहाँ पे। तो यार सब लोग आ गए हैं वापस जहाँ पर हम लोग आज की रात सोने वाले हैं, और सबके लिए इधर खाना बन रहा है दोस्तों। कुछ सूप बन रहा है इधर। तो यार देखिए बेड कैसे लगाए गए हैं, इधर चार बेड हैं, उधर में है कुछ, अलग अलग जगह में है ना। अर्ली मॉर्निंग उठ के दोस्तों आ गए हैं यहाँ पे वापस से, जहाँ से लाइव वोल्केनो दिखता है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से हमारे सूरज देवता इधर में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप सभी को सुप्रभात, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि मैं ऐसा सनराइज देख पाता हूँ, क्योंकि सुबह उठना ही नहीं हो पाता यार, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप में से बहुत सारे दोस्त जल्दी नहीं उठ पाते होंगे, और इस वजह से कि सब कहते फिरते हैं ना कि सनसेट पसंद है, लेकिन यार सनराइज का मजा ही कुछ और है भाई। हाँ तो मैं वोल्केनो की बात करता हूँ, जो ज्वालामुखी है इसकी बात करता हूँ। दोस्तों अब तक तो मैं पढ़ता आया था, सुनता आया था कि ज्वालामुखी कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आज वो दिन है जब मैं जलता हुआ ज्वालामुखी भाई लाइव वोल्केनो देख रहा हूँ सामने, और ये बड़ा सा लावा लेक। अगर बताता हूँ दोस्तों, ये सनराइज तो आप लोग देख रहे हैं, वोल्केनो जो लाइव वोल्केनो है, लावा वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो रात बिताया ना हमने दोस्तों, क्या ही अच्छा था यार, सच में बहुत ही मेमोरेबल। काफी दिनों के बाद इतना खुला आसमान मैंने देखा दोस्तों, चांद तारे सब कुछ इतना क्लियर से दिख रहा था ना, बिल्कुल एक भी क्लाउड नहीं था। अभी तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउड देखने को मिल रहे हो। तो भाई देर किस बात की है यार, अब नीचे जाने का समय हो चुका है जिधर में लावा पिघला हुआ है। हेलो मैं अपना पानी यहाँ छोड़ देता हूँ, वापसी में ले लूंगा। ये देखिए दोस्तों लावा जमा हुआ यार, ये थोड़े डेंजर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आप देख रहे हैं, क्या पता अंदर यहाँ भी हो कुछ जला हुआ है ना, क्योंकि इधर देखिए कुछ हलचल तो अभी भी है, ठीक से ये सूखा हुआ भी नहीं है, है ना, ये लिक्विड फॉर्म में आता है यार और ऐसा जमा हो जाता है। चाहिए क्या वो भाई, यार गर्म है यार। तो भाई ये गन भी मिल गए हैं अभी मुझे। एक बार ऐसा हुआ था, बहुत सालों पहले की बात नहीं है, कुछ ही सालों पहले की बात है, कि यहाँ से ना फ्लड आया था, लावा का फ्लड, बहुत ज्यादा कुछ बर्निंग हुआ होगा, बहुत ज्यादा जला होगा ज्वालामुखी, तो बहुत ज्यादा लावा आया था, तो इसके ऊपर से फ्लड गया था है ना, तो काफी सारे जंगली जानवर भी मरे थे उस लावा की वजह से। यार ये वाला है बिल्कुल फ्रेश वाला भाई, सही में भी होते हैं, आपको पता है। आज का सफर भी काफी हेक्टिक होने वाला है दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे दलोल, मेन अट्रैक्शन वही है दाना के डिप्रेशन में, है ना, काफी सुंदर है, बताऊंगा इसके बारे में भी पहुंच के। पानी ले लेता हूँ जो मैंने छोड़ दिया। ये जितना भी जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा वोल्केनिक एरिया है, और ये सिर्फ आस पास की बात नहीं, कई सौ दूर दूर किलोमीटर तक। दोस्तों एटाले से लगभग 55-60 किलोमीटर दूर आने के बाद पहला ये जगह ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये काले पत्थर नहीं है, थोड़ा ऐसा भी है और थोड़े ऐसे हरे भरे झाड़ियां हैं थोड़ा बहुत, वरना पूरे रास्ते में भाई ये काले पत्थर, आप लोग ध्यान से देखोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा कि ये लावा ही था। और गर्मी की तो क्या बात बोलूं यार, धरती के अंदर आग लगी हुई है भाई, गर्मी नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन ठीक है, अब गर्मी के लिए आए हैं, ठंडा होता ना तो मजा नहीं आता, गर्मी के लिए ही आया हूं मैं तो खास करके। ये देख के आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे पानी की क्या ही कमी होगी।